हमारे भारत माँ के कोख से कई बहादुर और वीर पैदा हुए हैं। हम आज ऐसे एक वीर के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद आतंकवादी के भेष में जाकर आतंकवादियों के साथ रहे और फिर उनको मार गिराए। वो वीर जवान थे मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और उनका माता का नाम था श्रीमती सुशीला शर्मा। ये 2004 की बात है। कश्मीर के शोपियान में मेजर एक अंडरकवर ऑपरेशन किए थे। उनका खबर था कि कुछ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी वहाँ पे छुपे हुए हैं और आर्मी के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। मेजर एक आतंकवादी का भेष लिए और उनका नाम इफ्तिकार भट्ट रखा गया। आतंकवादियों के अड्डे में जहाँ पहुंचकर प्लानिंग के मुताबिक मेजर ने बताया कि आर्मी ने उनको बहुत टॉर्चर किया है और उनका भाई को भी मार डाला है, इसलिए वो बदला लेना चाहते हैं। मेजर ने आर्मी के खिलाफ सारे झूठे सबूत देकर उनका भरोसा जीत लिया। तब हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी अबू तरारा और अबू सबजर आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए बाकी साथी को भी वहां बुला लिए और मेजर शर्मा तो यही चाहते थे। फिर मौका देकर मेजर और बाकी आर्मी मिलकर उन आतंकवादियों को वहां मार गिराए। फिर 5 साल बाद 2009 में जम्मू कश्मीर के कपवारा जिले में मेजर शर्मा फिर से एक ऑपरेशन में गए थे। उनको ब्रावो टीम का नेतृत्व दिया गया था और उनका काम था घने हफ्तदा जंगल में छिपे आतंकवादियों को मार गिराना। वो अपने कमांडर्स के साथ वहां पर जैसे ही पहुंचे, उनके टीम के ऊपर 3 दिशाओं से गोलीबारी हुई। इस बीच उनके 4 जवान घायल हो गए। मेजर अपना चिंता ना करके उन जवानों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस बीच वो 2 आतंकवादियों को मार गिराए, लेकिन फिर एक गोली सीधा उनके सीने में जाकर लगा। लेकिन मेजर फिर भी नहीं रुके, वो एक भी आतंकवादी को भागने नहीं दिए और फिर से 2 आतंकवादियों को मार गिराए। फिर भारत माँ के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिए और वहीं पे शहीद हो गए। उनको मिलिट्री का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र मिला। ऐसे वीर को हम आज हाथ जोड़कर कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।